तो जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद होगा अच्छे ही होंगे। तो आज हम आ चुके हैं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे, और आप देख सकते हैं सुबह के 6 बजने को है, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी एक नई जर्नी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे यात्रा ऑन ट्रैक। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं अपनी जर्नी का। आज का दिन अपने लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज यहाँ से सुल्तानगंज से देवघर के लिए एक नई ट्रेन चलने वाली है। तो चलते हैं स्टेशन के अंदर। हम लोग स्टेशन के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हमारी ट्रेन लगी है प्लेटफार्म नंबर 3 पे। वहीं से अपने ट्रेन का ओपनिंग होना है, यानी उद्घाटन होना है, और ये ट्रेन यहाँ सुल्तानगंज से होके देवघर को जाएगी वाया भागलपुर बांका होके। बात करें तो टोटल 3 प्लेटफॉर्म का एक इम्पोर्टेड रेलवे स्टेशन है, जो सावन मास में श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सारे श्रद्धालु बाबा बैजनाथ धाम के लिए, देवघर के लिए, जल भर के सुल्तानगंज से देवघर के लिए जाते हैं। इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। और इसके स्टेशन कोड की बात करें तो इसका स्टेशन कोड हुआ SGG, और ये अपने मालदा डिवीज़न के ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है स्टेशन। और टोटल 3 प्लेटफार्म और 4 ट्रैक की स्टेशन है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम लोग आ चुके हैं सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पे, और यहीं से आज अपनी डेमो ट्रेन चलने वाली है, जिसका हम आपको सीधा वीडियो में ले चलते हैं और दिखाएंगे, एंड टू एंड कवर करेंगे। तो देखते रहिए, और जर्नी में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलते हैं ट्रेन के पास और दिखाते हैं उसका इंटीरियर और सब कुछ। तो बने रहिए वीडियो में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये हमारी ट्रेन प्लेटफार्म नंबर 3 पे लग चुकी है, और इसकी ट्रेन की बात करें तो ट्रेन को काफ़ी वर्षों से मांग थी इस ट्रेन को चलाने के लिए। यहाँ की स्थानीय पब्लिक की और स्थानीय लोगों की मांग थी कि इस ट्रेन को यहाँ से देवघर के लिए कोई ट्रेन चला जाए। और यहाँ के, मतलब यहाँ के नहीं, झारखंड के विधायक हैं निशिकांत दुबे जी का लोग धन्यवाद कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये ट्रेन चालू हुई है। तो यहाँ से इस ट्रेन के खुलने का टाइमिंग सुबह के 6:20 पे है, और ट्रेन टोटल 27 हॉल्ट पे रुकते हुए लगभग दोपहर के 12:10 पे हमको देवघर पहुंचाती है। तो देवघर पहुंचने में लगभग 5 घंटे कुछ मिनट का टाइम लेती है, और सभी स्टेशनों पे रुकते हुए ये ट्रेन हमको देवघर दोपहर में पहुंचाती है। तो किराए की बात करें तो टोटल इसका न्यूनतम बहुत कम ही चार्ज है, क्योंकि मात्र 30 रुपये इसका टिकट का लगा है। तो चलते हैं अंदर, और अंदर आपको दिखा देते हैं इसका इंटीरियर। इसका बहुत ही इंतजार था, जब रेल मंत्री विजय सिंह ने बोल के गए थे, उस दिन से इंतजार कर रहा था सुल्तानगंज वासी कि कब हमारा जो है सुल्तानगंज से देवघर बैठ के जाएंगे, और वो जो है आज सपना पूरा हो रहा है। तो चलिए इसकी यात्रा दिखाते हैं आपको, हम पूरा सुल्तानगंज से देवघर तक यात्रा करेंगे। हर हर महादेव, बोल बम बोल बम बोल बम। सुबह के 6:20 पे राइट समय से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज भागलपुर जंक्शन पे। तब तक आप जर्नी देखिए और एंजॉय करिए, क्योंकि जर्नी में काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह जर्नी का कुछ बात ही और होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोगों को, लोग कितने उत्साहित हैं और वीडियो बना रहे हैं। बाय बाय सुल्तानगंज। इनका इंटीरियर तो
सामान्य डेमू ट्रेनों की तरह ही है। दोनों तरफ देख सकते हैं, तीन तीन लोगों के लिए बैठने के लिए सीटें हैं, और ये आप खिड़की देख सकते हैं, और यहाँ पे सामान रखने के लिए है। बाकी फैन लगा हुआ है, गर्मी में आपको कुछ राहत मिलेगी। और यहाँ पे हैंडल दिया गया है, हैंडल भीड़ भाड़ों तो आप पकड़ के यहाँ पे आरामदायक यात्रा कर सकते हैं यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, और इधर केवल लाइट का दिया गया है, लेकिन इसके बगल में इस तरफ भी चार्जिंग सॉकेट दिया गया है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा है, क्योंकि डेमू ट्रेन में खासतौर से चार्जिंग सॉकेट नहीं होता है। तो एक चीज़ की इसमें दिक्कत लग रही है, क्योंकि ट्रेन नहीं चालू हुई है, तो इसके हिसाब से इसका कोच भी नया होना चाहिए, लेकिन इसमें पुराने कोचों को ही लगा दिया गया है। आज इसका पहला दिन है, सुबह 6:20 पे ट्रेन डिपार्ट करेगी। अच्छा, तो इस ट्रेन के खुलने से कांवड़ यात्रियों के लिए भी काफी सुविधा, बहुत ही अच्छा रहेगी। हाँ, मतलब उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहा, टाइमिंग भी बहुत बढ़िया, टाइमिंग अच्छा टाइमिंग। चलिए, थोड़ा सा बहुत अच्छा रहा, हम लोग बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, तो कहाँ तक जाइएगा आप लोग? मैं भागलपुर तक। भागलपुर तक जाइएगा? अच्छा, डेली पैसेंजर हूँ। सुबह 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 डेली पैसेंजर के लिए बहुत अच्छी ट्रेन हो गई। ठीक है, हावड़ा सेट के वेब 5 इंजन के साथ ये है अपनी हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस। जो हावड़ा से चल के जमालपुर को जाती है, हावड़ा जमालपुर एक्सप्रेस। बांका एवं दुमका जाने के लिए यहाँ गाड़ी बदली है। दोस्तों, सुबह के 7:03 हो रहे हैं, यानी अपनी ट्रेन सुबह के 7:05 से पहले 3 मिनट पहले ही आ चुकी है अपने भागलपुर जंक्शन पे। और भागलपुर जंक्शन की बात करें तो टोटल 6 प्लेटफार्म का स्टेशन है, और ट्रैक की संख्या 8 है, और स्टेशन कोड हुआ इसका BGP, और ये अपने पड़ता है मालदा डिवीज़न के ईस्टर्न रेलवे जोन में। भागलपुर की बात करें तो यहाँ से एक लाइन साहिबगंज रामपुर हाट होते हुए दुमका को जाती है, और एक लाइन जिससे अपनी ट्रेन जाएगी बांका होते हुए देवघर को, और एक लाइन यहाँ से बांसटी होते हुए गोड्डा को जाती है, इसीलिए भागलपुर को जंक्शन पॉइंट भी कहा जाता है। तो यहाँ से अपने ट्रेन का डिपार्चर बस होने वाला है, और मिलेंगे इसके नेक्स्ट स्टॉपेज 12 हाट जंक्शन पे। तो भैया भी ना मांगे दे दिए।
नगर पर क्या ध्यान देंगे, सबौर भोगा इकतारी कहलगांव तिरपैसे साहेबगंज तिरपहार। तो दोस्तों भागलपुर जंक्शन से अपनी ट्रेन का एकदम राइट समय से डिपार्चर हो चुका है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट नहीं सीधे मिलते हैं आपसे बाराहट जंक्शन पे। अलविदा भागलपुर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने बाराहट जंक्शन पे और स्टेशन कोड की बात करें तो इसका स्टेशन कोड हुआ BCLE और टोटल 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। छोटा ही स्टेशन है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ से जंक्शन पॉइंट है, कई रूटें यहाँ से कटती हैं और 1907 में इसका ओपनिंग हुआ था इस स्टेशन का। स्टेशन भी अपना मालदा डिवीज़न के ईस्टर्न जोन में पड़ता है और पीछे खड़ी देख सकते हैं भागलपुर से अजमेर जाने वाली भागलपुर अजमेर स्पेशल ट्रेन है। और ये अपनी वेब 7 इंजन के साथ बांका राजेंद्र नगर बांका एक्सप्रेस आ गई बाराहाट जंक्शन पे। तो गोमो सेट के वेब 7 इंजन के साथ चलती है अपनी राजेंद्र नगर बांका राजेंद्र नगर एक्सप्रेस। तो दोस्तों बाराहाट जंक्शन से अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और मिलते हैं इसके नेक्स्ट स्टॉपेज बांका जंक्शन पे। और आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन कितने सुंदर कर्व का नज़ारा लेते हुए। सुबह के 10 बजने को है और हमारी ट्रेन आ चुकी है बांका जंक्शन पे। बांका जिले का एक बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ से लगभग कई जगह के लिए लाइनें कटती हैं। तो बांका का स्टेशन कोड हुआ BAKA और नंबर ऑफ प्लेटफार्म की बात करें तो टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफार्म है और ये भी अपना पड़ता है मालदा डिवीज़न के ईस्टर्न रेलवे जोन में। स्टेशन की स्थापना हुई थी लगभग 2004 में और इस स्टेशन को इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया था 2021 में।
तो यही है बांका का इतिहास। बाकी चलते हैं और मिलते हैं आपसे सीधे देवघर में। तो दोस्तों, बांका जंक्शन से अपने ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है और मिलते हैं सीधा आपसे देवघर में। बाय बाय बांका। तो दोस्तों, दोपहर के 11:20 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन आ चुकी है अपने लास्ट स्टॉपेज देवघर जंक्शन पे। स्टेशन कोड की बात करें तो इसका स्टेशन कोड हुआ DGHR और टोटल 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। और अपने रेलवे के नज़रिए से देखें तो हम मालदा डिवीज़न छोड़ के अब आ चुके हैं अपने आसनसोल डिवीज़न के ईस्टर्न रेलवे जोन में। पड़ता है अपना ये देवघर स्टेशन। इस ट्रेन को कांवड़ यात्रियों के लिए खोला गया है तो सावन में कांवड़ यात्रियों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं इस समय बिहार से निकल के झारखंड में आ चुके हैं और झारखंड भगवान भोलेनाथ की पावन भूमि बाबा बैजनाथ धाम देवघर में आ चुके हैं और यहीं पर हम अपनी जर्नी का एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट जर्नी में। तब तक आप वीडियो देखिए, एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव।